जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जम्मू के बर्फानी महाराज यानी कि अमरनाथ यात्रा की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अमरनाथ यात्रा हमको कैसे करना है, अमरनाथ यात्रा कब से प्रारंभ हो रही है, रजिस्ट्रेशन प्रणाली क्या है, अमरनाथ में खाने तथा रुकने की क्या व्यवस्था है, और अंत में ये भी जानेंगे कि अमरनाथ में हमको कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को पॉइंट टू पॉइंट हम समझेंगे, जिससे आपको अमरनाथ यात्रा जाने के लिए काफी सहूलियत मिले। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों कि अमरनाथ यात्रा शुरू कब से हो रही है। दोस्तों अगर मैं 2021 की बात करूं तो आपका अमरनाथ यात्रा 28 जून से लेकर 22 अगस्त तक चलेगा, यानी कि लगभग 2 महीने का टाइम पीरियड आपके पास है और आप इस 2 महीने में अमरनाथ यात्रा कभी भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये दोस्तों कि हमको अमरनाथ यात्रा जाने के लिए रजिस्ट्रेशन तथा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना अति आवश्यक है। तो हम ये भी जान लेते हैं कि हमको ये कहां से बनवाना है और हमको कैसे बनवाना है। दोस्तों 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है अमरनाथ यात्रा जाने वालों के लिए। तो अगर आप अमरनाथ यात्रा जाना चाहते हैं तो इस वेबसाइट से आप परफॉर्मा डाउनलोड करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि आपको बनवाना पड़ेगा मेडिकल सर्टिफिकेट। दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट आपके किसी सरकारी डॉक्टर की होनी चाहिए जो कि श्राइन बोर्ड के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो आपके शहर से, आपके राज्य से जो भी मेडिकल ऑफिसर होगा वो आप इस वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर लीजिए और आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ साथ यात्रा पर्ची भी आपको लगेगी। यात्रा पर्ची दोस्तों आपको पंजाब नेशनल बैंक या फिर जम्मू एंड कश्मीर बैंक या फिर यस बैंक, ये तीनों बैंक में आप कहीं से भी जाके प्राप्त कर सकते हैं। वहां से आपको यात्रा पर्ची प्रदान कर दी जाएगी। इन तीनों में से जो भी आपका नजदीकी बैंक है वहां से जाके आप अपना यात्रा पर्ची वाला काम भी करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हमको अमरनाथ यात्रा कैसे पहुंचनी है। दोस्तों यहां पे आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन है कि अगर आप अमरनाथ यात्रा दर्शन करना चाहते हैं तो वो है आपका पहलगाम मार्ग, और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आपका बालटाल मार्ग। एक एक करके दोनों मार्ग के बारे में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पहलगाम मार्ग के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम बालटाल मार्ग भी जानेंगे। इन दोनों चीजों को जानने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि पहलगाम मार्ग और बालटाल मार्ग में फर्क क्या है, हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए पहले, जिससे हमको यात्रा में परेशानी का सामना ज्यादा न करना पड़े। दोस्तों अगर मैं बात करूं पहलगाम मार्ग का, तो पहलगाम मार्ग से जो आपको वॉकिंग डिस्टेंस तय करनी है यानी कि जो आपको पैदल ट्रैकिंग करनी है वो आपको लगभग 32 किलोमीटर करनी है। और वही अगर मैं बात करूं कि अगर आप बालटाल मार्ग होते हुए जाएंगे तो आपको केवल 14 से 15 किलोमीटर का पैदल डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। लगभग आपको डबल से भी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ जाती है अगर आप पहलगाम मार्ग से जाते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि हम पहलगाम मार्ग से जाएं या फिर हम बालटाल मार्ग से जाएं। दोस्तों और मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप पहलगाम मार्ग से जाइए और बालटाल मार्ग से वापस आइए। अब आपके मन पे प्रश्न ये आ रहा होगा कि बालटाल मार्ग छोटा होने के बावजूद मैं आपको 32 किलोमीटर के रास्ते को चयन करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। इसका कारण यह है दोस्तों कि पहलगाम मार्ग से अगर आप चलते हैं यानी कि चढ़ाई करते हैं तो आपको एक नॉर्मल चढ़ाई देखने को मिलेगी, ज्यादा आपको थकान महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर वही अगर मैं बात करूं बालटाल मार्ग से, तो दोस्तों आपको वहां पे कुछ ज्यादा ही खड़ी चढ़ाई देखने को मिलती है, जिसे आपको थकान और सांस फूलने की समस्याएं काफी ज्यादा होती है। 14 किलोमीटर का रास्ता आप बालटाल मार्ग से अगर जाते हैं तो आप एक ही दिन में बाबा बर्फानी के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन वही अगर पहलगाम मार्ग से जाएंगे तो आपको 2 से 3 दिन आपको लग जाएगा, क्योंकि आप टुकड़े टुकड़े में रुक रुक कर आप बाबा बर्फानी के पास पहुंचेंगे, क्योंकि 32 किलोमीटर पैदल यात्रा काफी ज्यादा होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम पहलगाम मार्ग से जाएंगे और बालटाल मार्ग से वापस आएंगे। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हम पहलगाम तक पहुंचे कैसे या फिर हम बालटाल तक कैसे पहुंचे। सबसे पहले आपको आना पड़ेगा जम्मू के रेलवे स्टेशन। अगर आपका ऑप्शन बाई ट्रेन है तो आप जम्मू के रेलवे स्टेशन पहुंचे यानी कि जम्मू तवी पहुंचिए, और अगर आपका ऑप्शन फ्लाइट है तो जम्मू में ही बना हुआ है एयरपोर्ट, तो आप जम्मू एयरपोर्ट पहुंचकर आप आगे की यात्रा बाई बस कर सकते हैं। दोस्तों हम जम्मू पहुंच चुके हैं, जम्मू के बाद अब हमको बस कहां से लेनी है इसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों जम्मू से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे बना हुआ है भगवती नगर, और इसी भगवती नगर से आपको अमरनाथ यात्रा के लिए बस सुविधा मिलेगी। दोस्तों जम्मू से आपको ऑटो वाला 40 से 50 रुपए में भगवती नगर छोड़ देगा। भगवती नगर में दोस्तों आपको रुकने की व्यवस्था है। अगर आपकी ट्रेन रात के समय की है या फिर शाम के समय की है तो आप भगवती नगर जाकर वहां पर रुक सकते हैं। वहां पे आपको 100-150 रुपए में टेंट मिलेगा और वहां पे आपको होम स्टे भी मिलेगा, यानी कि लोग अपने घर पे भी आपको ठहरने की व्यवस्था देते हैं। तो आप 100-150 रुपए में वहां पे आपको रुकने की व्यवस्था हो जाएगी भगवती नगर जम्मू में। दोस्तों अगर आप अमरनाथ यात्रा करने जा रहे हैं तो आप एक चीज के लिए निश्चिंत रहिए कि आपको वहां पे किसी भी तरीके की खाने पीने की समस्या होगी, क्योंकि वहां पे आपको हर जगह लंगर मिलेगा। भोलेनाथ की कृपा से आपको जगह जगह पे आपको भोजन की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था, आपको मेडिसिन की व्यवस्था मिलती रहेगी, अगर आप पैदल यात्रा करें चाहे आप बस की यात्रा करें। तो आप खाने पीने के लिए निश्चिंत रहिए, निःशुल्क भोजन वहाँ पे प्रदान किया जाता है भोले बाबा के आशीर्वाद से।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम भगवती नगर से मॉर्निंग में बस आपकी चलती है, आप अगर भगवती नगर पहुंच जाते हैं शाम के समय पे तो आप बस की टिकट निकलवा लीजिए। अगर हम बात करें पहलगाम मार्ग से जाने की तो दोस्तों भगवती नगर से जो पहलगाम की जो दूरी है वो आपकी लगभग 315 किलोमीटर पड़ जाती है, और यह 315 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए आपको लगभग 10 से 11 घंटे बस का सफर लग जाता है। बस की अगर यहाँ पे टिकट की कॉस्ट की बात करूँ दोस्तों तो आपको लगभग 500 रुपए देना पड़ेगा प्रति व्यक्ति, और आप अपना सीट पकड़िए और आप भोलेनाथ का नाम लेते हुए हम रवानगी लेते हैं पहलगाम की तरफ। दोस्तों अगर वही भगवती नगर से अगर आप बालटाल मार्ग वाले रास्ते से जाते हैं तो अगर मैं उसकी बात करूं वो आपकी लगभग 370 किलोमीटर की पड़ जाती है, जो कि आपको लगभग 600 रुपए पर व्यक्ति के हिसाब से कॉस्ट पड़ेगा, और आप बालटाल 12 से 13 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये वाला सफर तो क्लियर हो गया होगा कि हमको पहलगाम और हमको बालटाल कैसे पहुंचना है, क्या बस की टिकट है, और साथ ही साथ हमको कितना घंटा लग जाएगा। चलिए दोस्तों हम अब पहलगाम पहुंच चुके हैं। पहलगाम में अगर दोस्तों आपको शाम हो जाती है पहुंचते पहुंचते तो आप वहां स्टे कर सकते हैं। स्टे आपको करने के लिए वहां पे टेंट मिलेगा। टेंट का जो दोस्तों किराया होता है वो आपका 400 से 500 रुपए आपका पड़ता है। इसमें आप 3 से 4 आदमी रुक सकते हैं, तो अगर आपकी फैमिली है तो आप 400 से 500 रुपए में एक पूरा टेंट ले लीजिए और वहां आप अपना स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पहलगाम से सबसे पहले जाना पड़ेगा चंदनवाड़ी। दोस्तों ये चंदनवाड़ी वो जगह है जहां से आपको पैदल यात्रा प्रारंभ करनी है, और हमको चंदनवाड़ी कैसे पहुंचना है तो आपको मिलेगा शेयरिंग टैक्सी या फिर जीप। तो आप पहलगाम से चंदनवाड़ी तक आप बाई जीप या फिर शेयरिंग टैक्सी के द्वारा पहुंच सकते हैं, जो कि 16 किलोमीटर की दूरी आपकी ये पड़ जाती है, और ये 16 किलोमीटर की दूरी दोस्तों आपकी लगभग 1 घंटे लेगा और आप चंदनवाड़ी पहुंच जाएंगे। टैक्सी वाला जो कॉस्ट लेगा दोस्तों वो आपका 100 से 150 रुपए प्रति व्यक्ति लेगा और आपको चंदनवाड़ी ड्रॉप कर देगा। दोस्तों चंदनवाड़ी से बाबा अमरनाथ की गुफा तक ये आपकी जो डिस्टेंस है ये आपकी 32 किलोमीटर की है, और यही 32 किलोमीटर का सफर आपको पैदल तय करना है 1 से 2 दिन में। सबसे पहले दोस्तों हम प्रस्थान करेंगे चंदनवाड़ी से। चंदनवाड़ी में भी वहां पे भोजन करने की व्यवस्था है, तो अगर आपको भोजन करना है, चाय नाश्ता करना है, वहां आप बिल्कुल कर सकते हैं। निशुल्क भोजन प्रसादालय आपको वहां पे मिलेगा, तो आप वहां पे भोजन करिए और प्रस्थान करते हैं हम पैदल यात्रा की तरफ। चंदनवाड़ी से दोस्तों हमको आगे बढ़ते हुए आना है 12 किलोमीटर के बाद शेषनाग। दोस्तों शेषनाग एक जगह है जहां पे आपको अगेन वहां पे रुकने के लिए टेंट मिलेंगे और वहां पे आपको खाने पीने की भी व्यवस्था है। तो दोस्तों अगर आप 12 किलोमीटर के बाद आपकी क्षमता खत्म हो चुकी है चलने की तो आप शेषनाग में स्टे कर सकते हैं, वहां पे आप भोजन कर सकते हैं और वहां पे आप रात गुजार सकते हैं। उसके बाद अगली सुबह आप शेषनाग से प्रस्थान करिए पंचतरणी के लिए। दोस्तों शेषनाग से पंचतरणी अगेन 12 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी, तो आप चाहे तो उसी दिन कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर आप शेषनाग में उस दिन स्टे कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे ये बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको ट्रैकिंग करते करते दोपहर 1 बजे के बाद आप अगर शेषनाग पहुंचते हैं तो फिर आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा, और अगर आप 1 बजे से पहले पहुंचते हैं तो फिर आप शेषनाग से अपनी पैदल यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। तो दोस्तों शेषनाग से पंचतरणी आप अगले दिन प्रस्थान करिए, और ये भी 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको लगभग 7 से 8 घंटा लग जाएगा और आप पंचतरणी पहुंचेंगे। तो पंचतरणी से अमरनाथ गुफा की जो दूरी है ये 5 किलोमीटर की है, तो ये आप 5 किलोमीटर की दूरी 3 से 4 घंटे में कर सकते हैं। और अमरनाथ में सबसे पहले फ्रेश होइए, स्टे करिए, भोजन करिए और हम बढ़ते हैं बर्फानी महाराज के दर्शन के लिए। दोस्तों दर्शन में आपको लगभग 1 से 2 घंटे लग जाएंगे, वो डिपेंड करता है कि भीड़ कितनी है। तो बर्फानी महाराज के दर्शन करिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए, और आप चाहे तो उस दिन स्टे कर लीजिए अमरनाथ में ही, या फिर आप उसी दिन वापस रवानगी ले लीजिए बालटाल मार्ग से। तो दोस्तों ये तो सारी बातें थी कि अगर हमको पैदल आना है तो। अब बात करते हैं कि अगर आप घोड़े खच्चर से आना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी क्या प्रणाली है। तो अगर आप घोड़े खच्चर से पहलगाम मार्ग से आते हैं तो आपको एक व्यक्ति का जो किराया है वो आपका 9,000 रुपए लगभग पड़ जाता है, और आपको वो अमरनाथ की गुफा तक ड्रॉप कर देगा। और वही अगर आप पालकी लेते हैं दोस्तों तो पालकी का जो पहलगाम से जो अमरनाथ गुफा की जो रेंट है वो आपका 28,000 रुपए होता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है एक व्यक्ति को वहन करने के लिए। और तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास बचता है जो कि सबसे सस्ता है, वो है हेलीकॉप्टर से। दोस्तों अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास हेलीकॉप्टर का भी ऑप्शन है, तो हेलीकॉप्टर का जो टिकट है दोस्तों वो आपका 6,200 रुपए एक व्यक्ति का पड़ता है राउंड ट्रिप का, यानी कि जाने का और वापस आने का। तो आप इस वेबसाइट में जाके अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवा सकते हैं अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों अब यही कीमत हम अपने बालटाल मार्ग से बात कर लेते हैं कि अगर हम बालटाल मार्ग से बर्फानी महाराज के दर्शन करने जाते हैं तो हमको घोड़े का जो किराया पड़ेगा दोस्तों वो आपका लगभग 6,000 रुपए पड़ता है। और वही अगर मैं बात करूं दोस्तों पालकी का, तो पालकी का 15,000 रुपए एक व्यक्ति का पड़ता है, और हेलीकॉप्टर की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आपका 3,600 रुपए आने तथा जाने का पड़ जाता है, यानी कि राउंड ट्रिप का ये फेयर पड़ जाता है। दोस्तों यहाँ पे घोड़े और पालकी की जो रेट जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये आपके दोनों ही ट्रिप का है, यानी कि आपको पालकी से छोड़ेगा भी और वापस आपको पहलगाम, या फिर आप अगर बालटाल से आना चाहते हैं तो बालटाल तक आपको
ड्रॉप कर देगा। तो दोस्तों ये तीन ऑप्शन थे आपके पास अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको अमरनाथ यात्रा के लिए कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए। दोस्तों अगर आप पहलगाम मार्ग से जाते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए तो आप लगभग 8 से 9 दिन का अपना ट्रिप बनाइए, और वही अगर आप बालटाल मार्ग से जाते हैं जो कि आपको 14 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है इसलिए वहां पे आपको समय कम लगता है तो उसके लिए आप 5 से 6 दिन का ट्रिप बनाइए। लेकिन मेरा यहाँ पे एक रिकमेंडेशन ये भी रहेगा दोस्तों कि अगर आप घोड़े खच्चर या फिर हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो आप बालटाल वाले रास्ते से जाइए, क्योंकि वहां पे आपको पैदल चढ़ना नहीं है और पैदल चढ़ना नहीं है तो आपको चढ़ाई का भी आभास नहीं हो पाएगा, जिससे आपके कॉस्ट भी कम होंगे और आपका समय भी कम लगेगा। चलिए दोस्तों लास्ट बात कर लेते हैं कि हमको अमरनाथ यात्रा के लिए कुल खर्चा कितना लग जाएगा। दोस्तों वैसे तो आपको सिर्फ टेंट का ही खर्चा होगा क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ रुकने के ही कॉस्ट देने पड़ते हैं और आपके जो भी बस के फेयर होंगे वो। वहां पे आपको निशुल्क भोजन मिलती है तो उसका फेयर तो आपका ऐड होगा नहीं। तो यहाँ पे एस्टिमेट कॉस्ट अगर मैं बात करूँ कि एक व्यक्ति का जो किराया लगेगा वो आपका लगभग 2500 से 3000 रुपए में आप आराम से बर्फानी महाराज के दर्शन कर लेंगे। दोस्तों इस फेयर में आपके किसी भी तरीके की ट्रेन की टिकट फ्लाइट की टिकट को मैंने ऐड नहीं किया है, और साथ ही साथ अगर आप घोड़े खच्चर का विकल्प चुनते हैं या फिर हेलीकॉप्टर का विकल्प चुनते हैं तो ये फेयर आपका अलग रहेगा। मैं सिर्फ पैदल यात्रा करने वाले यात्रियों की अगर मैं बात करूं तो वो आपका 2500 से 3000 रुपए लगेगा अमरनाथ यात्रा तय करने के लिए। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अमरनाथ यात्रा कैसे प्लानिंग करनी है। इसके बावजूद अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी यात्रावश में विजिट करके पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आपके जो भी प्रश्न होंगे मैं उसके जरूर उत्तर दूंगा और आपके डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और मेरे चैनल यात्रावश को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपकी यात्रा मंगलमय हो।